हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। और हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 9.4 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। ठीक है, तो बहुत ही मतलब इसमें 8 क्वेश्चन हैं हमारे पास में और सिंप्लीफाई करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ यहाँ पर करना है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, समझा समझा के बताना है मेरे को, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो समय देखिए, समझना है इसको और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, पहले बता देता हूँ, और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। आगे की बात फिर बीच बीच में करते रहेंगे हम लोग। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 3 का फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या दे रहा है, आई थिंक तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, कॉर्नर में थोड़ा धुंधला हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस 25। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास भेजा गया है, तो इसको सॉल्व करके हम भी वापस भेज देते हैं। देखो थोड़ा मार्कर को पतला कर लेंगे तो स्पेस कम में यूज़ हो जाएगा। चलिए इतने पे काम चलेगा। देखो भाई, तो यहाँ पे ये 25 एडिशन में, देखो ये पूरा एक टर्म, मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एक बात समझा रहा हूँ। देखो ये जो सांप है ना, ये पूरा एक टर्म, कहीं कहीं पे बीच में, बीच में देखो ये एक टर्म और ये दूसरा, ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये पूरा एक ही टर्म है। और यहाँ पे ये 25, मतलब दो ही टर्म्स हैं यहाँ पे, एक टर्म ये और एक टर्म ये, लेकिन ये जो टर्म है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस फाइव को, फिर माइनस फाइव है तो माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस फाइव। ठीक है, और अच्छा होगा कि इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर दें, इसको हम क्या बोलते हैं, मूंछ वाला ब्रैकेट, ताकि मेरे को लगे कि ये एक ही एक अलग काम है और यहाँ पे प्लस 25 करते हैं, ये बताने के लिए कि ये काम दूसरा काम है। ठीक है ना, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो अब ये मूंछ वाला ब्रैकेट हटा सकते हैं हम लोग, अब सिंपल ब्रैकेट लगा ऐसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से प्लस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फाइव से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक मेरे को ये ब्रैकेट भी हटा ही देना चाहिए अब, तो उसको मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि अब ब्रैकेट कोई ऐसा खास काम है नहीं, तो इसको लो ये देखो हट गया ब्रैकेट हमारा। ठीक है, अब देखो ये वाला 25 और ये वाला 25 कैंसिल हो जाएगा, खत्म, खच से कट गया, तो अपने पास में जो बच गया अब वही फाइनल आंसर हमारे पास में है, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, ए स्क्वायर प्लस फाइव बी क्यू प्लस 3 प्लस 5। तो एग्जैक्टली यही काम करना है। ठीक है ना, इसको पहले काम, इसका पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 5 ऐड करेंगे, तो हम यहां पे क्या लगा देते हैं, मूंछ वाला ब्रैकेट। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है किसको, बी क्यू प्लस 3 को, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको, बी क्यू प्लस 3 को, और ये मूंछ वाला ब्रैकेट बंद करके और लास्ट में 5, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो ए स्क्वायर को बी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 को बी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बी क्यू हो जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं था तो उन्होंने आराम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी लाइक टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं उसको तुम, तो ये तीनों नालायक है, ये दोनों लाइक है, तो ए स्क्वायर बी क्यू 3 ए स्क्वायर, ठीक है, सही है ना, ठीक है, प्लस 5 बी क्यू, और 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा खत्म। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो कमाल कमाल का क्वेश्चन है यार, टी प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस,
टी स्क्वायर माइनस एस। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको पता होगा कैसे करना है कि नहीं, कि नहीं है। टी से मल्टीप्लाई करना है पहले टी स्क्वायर माइनस एस को, फिर एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर माइनस एस को। क्लियर बात? चलिए अब टी से टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यू हो जाएगा, और टी से एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एस या एस टी, जो भी लिखो एस टी ही लिखते हैं हम लोग, ठीक। फिर एस स्क्वायर से टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और एस स्क्वायर से एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है जो हम कोई कैलकुलेशन कर सकें, इसलिए यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक। ओ ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, मुझे इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर एक्सप्रेशन ये देखिए, ए बी माइनस सी डी, ए प्लस बी सी माइनस डी, ठीक है ये पहला। दूसरा देखो, ए माइनस बी सी प्लस डी, ए माइनस बी सी प्लस डी, और प्लस में है टू ए सी प्लस बी डी, ठीक है। ज़्यादा डरिए नहीं, आराम से सॉल्व करते हैं। बड़ा क्वेश्चन देख के डरा मत करो, क्योंकि जो बड़ा होता है वो हल्का होता है, देखने से लगता है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। चलो अब यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे काम कर लेते हैं। ए से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू सी माइनस डी, फिर बी से इसी को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस बी इंटू सी माइनस डी, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे तुम चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ब्रैकेट इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी को, ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, और माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी प्लस डी को, और यहाँ से टू से हम मल्टीप्लाई करके निश्चिंत हो जाते हैं, टू ए सी प्लस टू बी डी। बात क्लियर? चलिए तो मल्टीप्लाई कर ले ए सी माइनस ए डी, फिर बी सी बी डी माइनस में, फिर प्लस में ए सी, फिर प्लस में ए डी, फिर माइनस बी सी, माइनस प्लस माइनस बी डी, ठीक, फिर टू ए सी और टू बी डी। देखो भाई मेरे, बी सी देखो, समझना बात को, यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, बी सी माइनस में है और यहाँ पे बी सी प्लस में है, कैंसिल हो गया। और ए डी, हाँ देखो यहाँ पे ए डी, ये ए डी प्लस में है और ये ए डी माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब ये बी डी दोनों माइनस में ही है, ए सी दोनों प्लस में ही है, तो आगे हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ए सी यहाँ से और ए सी यहाँ से, दो बार ए सी है तो टू ए सी, और अभी सोच समझ के लिखना है, जल्दीबाजी नहीं। टू ए सी यहाँ पे, यहाँ पे माइनस था क्या, प्लस है, ओहो तो टू ए सी यहाँ पे, और यहाँ पे देखो प्लस टू ए सी, दो ए सी यहाँ भी है तो प्लस टू ए सी, ठीक है। फिर माइनस बी डी और माइनस बी डी, तो माइनस टू बी डी, माइनस टू बी डी और प्लस टू बी डी यहाँ पे, फिर ये कैंसिल, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो टू ए सी और टू ए सी कितना हो जाएगा, फोर ए सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए सी ए सी ए सी सब सही है, सही है, सही है आपका आंसर रहा। चौथा हो गया, उसके बाद पांचवा, ये लो पांचवा, पांचवे नंबर पे क्या है भैया, ये है x प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई। मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ पा रहे हो? तो जल्दी से जाके लाइक करो और मेरे को बता दो कमेंट करके कि यस सर मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत खुशी होती है जब तुम मेरे से लिखते हो ना, तो मुझे लगता है चलो मैंने इतना जो मैंने मेहनत किया वो सब सफल रहा, बच्चे समझ पा रहे हैं, बच्चे समझे ही नहीं तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू वाई, ठीक
क्लास एट का सारा कंटेंट अगर जिस बच्चे ने मेरा देख लिया ना, तो क्लास एट उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा फिर तो, खास करके मैथमेटिक्स। यार मैथ में क्लास एट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सोच से कुछ भी बड़ा नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बड़ा सोचो, ठीक है। बच्चों वाली बात नहीं करनी है कि यार मैं थोड़ा मोबाइल पे गेम खेल लेता हूँ। गेम खेलने से आज तुमको क्या मिला बताओ? कुछ भी ऐसा है जो मिला है, थोड़ी सी खुशी मिली होगी, वो खुशी टेम्प्रोरी है, कुछ समय के लिए खुशी है, वो खुशी बहुत दिन तक नहीं रहेगा। गेम किसी गेम में तुम जीत जाओ, किसी के हार जाओगे, लेकिन अगर मैथमेटिक्स हम पढ़ लेंगे ना, तो हर गेम में हम जीत लेंगे, ठीक है ना। लाइफ का हर गेम हमारे लिए आसान होगा, इसलिए हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन सही है लिखा हुआ। चलिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x+y को, फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2x+y को, फिर यहाँ से एक्स से, यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आई थिंक तुम सीख चुके हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं। फिर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, +2y(x-y)। तो तुम एक बात देख के बहुत खुश होगी, सर यहाँ पे जिन चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो सब क्या है, सब पॉजिटिव है, इसलिए माइनस का टेंशन खत्म है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² हो जाएगा। आवाज आई थिंक जारी होगी। फिर x से 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा, x ठीक ना। y से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2xy हो जाएगा। y से y को मल्टीप्लाई करेंगे y² हो जाएगा। फिर x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। x से y को मल्टीप्लाई करेंगे xy हो जाएगा। फिर 2y से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy हो जाएगा, और 2y से y को चूंकि माइनस में है तो -2y², ठीक। अब लाइक टर्म्स को पहले हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखना मेरे भाई, ये 2x² और कहाँ पे है x² एक यहाँ पे है, तो 2x² और 1x² कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, तो 3x², ठीक है। इसके बाद अच्छा हुआ कि हम y² को लिख लें, ठीक है ना। तो y² देखो, 1y² यहाँ पे है और 1y² 2y² यहाँ पे है, तो पहले हम इसको लिखते हैं +y² -2y², ठीक। अब स्क्वायर वाला हो गया, तो चलो अब बात करते हैं एक्स वाई वाला। एक्स वाई एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और तो एक तो ये ये प्लस एक्स वाई है और ये माइनस एक्स वाई, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 2xy यहाँ से और 2xy यहाँ से कितने हो जाएंगे, यहीं पे ऐड कर लें, बच्चों की तरह हम उसको बार बार लिख रहे हैं, तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं। 2xy प्लस में और 2x प्लस में कितना हो जाएगा, 4xy। तो देखो ये पूरा काम तो हो ही गया, हर चीज़ आई थिंक हमने लिख लिया है, अभी कुछ भी बाकी नहीं है, दो कट ही गया और बाकी को हमने लिख दिया है। चलिए तो मेरे भाई यहाँ पे 3x² और y² में से 2y² चला गया, तो कितना बचेगा, -y² और +4xy, सही है। चलिए यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे मिल गया। तो 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब ये 2 क्वेश्चन और बाकी है। आई थिंक हम लोग को नेक्स्ट पेज पे देखना चाहिए, नेक्स्ट पेज खाली ही होगा हमारा। देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में x+y है और x²-xy+y², इसको मल्टीप्लाई करके x³+y³ आएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। देखो x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x²-xy+y². फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y से नीचे ही लिखे, रुक जाए एक मिनट, ये फालतू में यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं है, नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेस हमारे पास में। देखिए पहले x से मल्टीप्लाई करना है, x²-xy+y², फिर y से मल्टीप्लाई करना है, y x²-xy+y², ठीक। अब देखो
एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स से माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर एक्स से वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई, उल्टा ही लिखते हैं ठीक है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा सीधा ही लिखते हैं, वाई से एक्स स्क्वायर को तो वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई एक ही बात है, तो अच्छा होगा मैं ऐसे ही लिखें एक ऑर्डर में, वाई से माइनस एक्स वाई को तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और वाई से वाई को तो वाई क्यूब हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ कैंसिल होगा यहाँ पे, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस, सेम सेम था तो अपने पास में क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैंने बताया ये बचेगा, आर एफ डी है तो ये बचेगा। जो कुछ मैंने आपको बताया ना, कहीं भी कन्फ्यूजन रह गया हो कि सर यहाँ पे मैं समझा नहीं, तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, फ्यूचर हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे ठीक है, क्लास अभी तो क्लास एट में हो आप, आई थिंक क्लास एट के बाद हम क्लास नाइन में जाने वाले हैं, क्लास नाइन में जाने के बाद बहुत मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ जाता है, तो वहाँ पे लाइव क्लास मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए, और इतने अच्छे से मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा ना, मतलब लाइव लोग साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगा ठीक है ना, तो थोड़ा वेट करना है और ये नंबर सेव कर लेना फ्यूचर के लिए। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरी प्लानिंग यही है कि अभी तो अब चूंकि समय काफ़ी लेप्स हो गया है, सेशन खत्म होने वाला है, जब क्लास नाइन में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्लास नाइन का मैथमेटिक्स, चूँकि क्लास एट से अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स है, तो उसको मैं ऐसे पढ़ा दूँ ना, क्योंकि क्लास नाइन जो है वो क्लास टेन का पूरा बेस है, क्लास नाइन सही नहीं गया तो क्लास टेन में समझो कि चला ही गया फिर, तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो उसके लिए आपको थोड़ा मतलब सब्र रहना करेगा, दो तीन महीने आप वेट कर लो, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्लास जरूर ज्वाइन करना ठीक है ना। और मैथमेटिक्स तो खैर बात ही छोड़ो उसकी, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 1.5x माइनस 4y ठीक है, फिर 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y ठीक है, बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन है यार, चलो कोई बात नहीं है, जो भी है मल्टीप्लाई तो करना है, 1.5x से मल्टीप्लाई करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, इससे हमने पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 4y से, माइनस 4y से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और अब ये बात आ गई माइनस 4.5x प्लस 12y। देखो तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, x और x x स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6xy, और 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5x, फिर माइनस 4y और यहाँ पे 1.5 x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 6 हो जाएगा, जो कि माइनस है तो माइनस 6 होगा, x और y है तो x y हो जाएगा, फिर 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा 16 माइनस में हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4y से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 जा 12 y और यहाँ पे 4.5x, आई थिंक देखो सबका सब कैंसिल ही हो जाएगा, ये बचा हुआ सिर्फ, देखो 6xy यहाँ पे है प्लस में और 6xy यहाँ पे है माइनस में, 4.5x यहाँ पे प्लस में और 4.5x यहाँ पे माइनस में, 12y यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, तो बचा सिर्फ कितना, बच गया सिर्फ ये 2.5x स्क्वायर और यहाँ से माइनस 16y स्क्वायर, बस इतना ही बचा, क्लियर बात ठीक है। और लास्ट इसके बाद आई थिंक आइडेंटिटी वाला हम लोगों को पढ़ना है ठीक है ना, मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद हमारे पास में जो होगा, हाँ ये नहीं ये तो हो चुका है, हाँ आइडेंटिटी देखो यहाँ पे, ये आइडेंटिटी तो ये जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी वाला ठीक है, चलिए यहाँ पे इस पे आ जाते हैं, अपने पास में यहाँ पे क्या है, ए
प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, समझ पा रहे हो? थक गया यार। देखो मैं बता रहा हूँ अभी, मतलब कंडीशन क्या, मैं समझा रहा हूँ। मैं सुबह में उठा, ठीक है, पानी से फेस धो लिया, चाय पिया और बैठ गया तुमको पढ़ाने के लिए। मतलब अभी बिल्कुल मॉर्निंग का समय है, पूरा सुबह ठंड की सुबह है, ठीक है, जैकेट देखो पहन रखा हूँ। और ऐसे ही मतलब आजकल दिमाग पे ये सवार है कि जल्दी से जल्दी मेरे को क्लास 8 का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है ना, इसलिए दिन रात मेहनत करता हूँ। अभी सुबह से स्टार्ट हो गया, अब रात तक ये काम चलता रहेगा। तो आपकी मेहनत कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा होता है, ठीक है ना। मेरे सब्सक्राइबर्स कम है तो ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे से पढ़ाता नहीं हूँ, धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप बाकी अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करोगे, वो किसी और को रेकमेंड करेगा, ऐसे करते करते हम लोग भी एक दिन बहुत बड़े कम्युनिटी के मतलब हकदार हो जाएंगे, हमारे पास भी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे। लेकिन पहले काम करना पड़ता है उसके लिए। इस बात को आप एक्सेप्ट करो कि बिना काम किए, बिना मेहनत किए दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। मैं बिना काम किए ये सोच लूँ कि बाकी लोगों के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ये सोचने में पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं काम करना शुरू कर दूँ ना, तो जो मेरी सोच है ना, वो हकीकत में बदल जाएगी। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप भी जो कुछ भी सोचो तो देखो क्या आप उसके लायक काम कर रहे हो। अगर काम नहीं कर रहे हो तो फिर वो कैसे पॉसिबल है। ये लो, ठीक। अब क्या करना है, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर। ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी। ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी। बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी ए से अच्छा है कि हम ए बी लिखें। बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर। बी से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी। सी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी। सी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी। सी से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी सी स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल होने वाला है आई थिंक। ए सी और ये ए सी कैंसिल, बी सी बी सी कैंसिल, ए बी बच जाएगा। हाँ, ए बी बच जाएगा, ठीक है। तीन था एक बचा, सही है। देखो ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर, ठीक। पहले स्क्वायर वाले को अब क्या बचा हुआ है, ए बी यहाँ पे है और ए बी यहाँ पे है, और तो कुछ नहीं है, तो दो बार ए बी है, टू टाइम्स ए बी, ठीक है भाई। यहाँ पे थैंक यू लिख देता हूँ, क्योंकि आपने इतना लंबा वीडियो देखा और हमने सीखा भी, ठीक है। तो आगे की जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो का आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया होगा, 22 मिनट का वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या करूँ, समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जितना कहा आपको उतना जरूर करना। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर देना, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।